हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग फॉर यू। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल लौकी के कोफ्तों की सब्जी, जिसे आप चपाती राइस किसी के साथ सर्व कर सकते हो। वीडियो शुरू होने से पहले मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या चाहिए। घी को मैंने ग्रेट करके उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लिया है। हमें सिर्फ एक्स्ट्रा पानी निकालना है। अगर हम पूरा पानी निकाल देंगे तो जो हमारे कोफ्ते हार्ड बनेंगे। उसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक बड़ा चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। बेसन को मैंने छान लिया, तब इसमें धीरे धीरे करके बेसन डालेंगे। पहले हम थोड़ा कम ही बेसन डालेंगे, ज़रूरत पड़ी तो बाद में और डाल लेंगे। एक चम्मच देसी घी डालेंगे, इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और कोफ्ते भी सॉफ्ट बनते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर हमें लगे कि हमारा बैटर थोड़ा सा लिक्विड है, तो इसमें थोड़ा सा और बेसन डालेंगे। मेरा बैटर थोड़ा सा लिक्विड था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और बेसन डाला है। मिक्स करने के बाद हमारे कोफ्ते का बैटर तैयार है। कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें हमारे कोफ्ते का बैटर डालेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम ही होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर ही गोल्डन ब्राउन होने तक कोफ्तों को फ्राई करेंगे। बीच बीच में हम इनकी जो है साइड चेंज करते जाएंगे, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं। कोफ्ते हमारे जो है बनकर तैयार हैं, एक साइड में रखेंगे। ग्रेवी के लिए मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को ग्राइंड कर लिया है। टमाटर को भी मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें जीरा डालेंगे। अब इसमें जो प्याज का पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम ही होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर भी हम जो है ये मसाला भूनेंगे। इसे अच्छी तरह से 15 मिनट तक भून लेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। भूनने वाला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छा टेस्ट आता है। प्याज हमारा भून चुका है। अब इसमें जो है टमाटर की प्यूरी डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। इसे अच्छी तरह से 5-7 मिनट तक भून लेंगे, जब तक कि ये मसाला अपना ऑयल ना छोड़ दे। मैंने जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए उसकी लिस्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूंगी, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा वहाँ से। मसाला हमारा भुन चुका है। इसमें मलाई और थोड़ा सा दूध डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट तक पका लेंगे। अब इसके मैंने टेस्ट के लिए थोड़ा सा मैगी मसाला डाला है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालिएगा। इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़े से फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी डालेंगे। हमारी ग्रेवी जो है बनकर तैयार है। अब इसमें हमारे कोफ्ते डालेंगे। कोफ्ते डालने के बाद इसे 2 मिनट तक पका लेंगे। इसके बाद गैस बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा मत पकाएगा, नहीं तो कोफ्ते सॉफ्ट होने के कारण ग्रेवी में ही मिक्स हो जाएंगे। इसे सर्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।